अस्सलाम वालेकुम जमात वंजम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे अपने घरों में। जैसा कि आप सबको पता है कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से जो है वो आपके स्कूल जो है वो पाँचवीं जमात तक जो है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस का जो है ये सिलसिला शुरू करना पड़ा है, ताकि आपकी जो है तलीमी सरगर्मियाँ जारी रहें और आप अपनी तलीमी सरगर्मियों से जो है वो महरूम ना रह सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर में जो है वो बाहिफाजत रहेंगे और घरों से बाहर जो है वो बिला वजह नहीं निकलेंगे और अपनी पढ़ाई पर जो है वो ध्यान देंगे और जो जो आपको काम मिलेगा या आपको करवाया जाएगा उस पर अपना ध्यान देंगे और उसको मुकम्मल करके स्कूल में वापस दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आज हम अपना शुरू करते हैं, अपनी उर्दू की क्लास जो है वो शुरू करते हैं, जिसका उनवान है हमारा ग्रामर का। और ग्रामर में आज हम करेंगे दर्बुल अम्थाल, ठीक है। और आज हमारा ग्रामर का एक हिस्सा है जिस जो कि दर्बुल अम्थाल पर मौजूद है। आज हमने करना है दर्बुल अम्थाल। आप सब ने जो है अपनी ज़िंदगी में या अपनी जो है उसमें देखा होगा कि हमने अगर किसी को कोई मजाक करना हो या कोई बात ऐसी करनी हो जो उसको तल्ख लगे या तंजो मजाक में लगे, तो हम दर्बुल अम्थाल या मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। दर्बुल अम्थाल जो होते हैं ना, वो हमारी मुख्तसर रोज़मर्रा की बोलचाल होती है, ठीक है, जिसमें हम किसी को बात समझाने के लिए किसी बात की मिसाल देते हैं, ठीक है। और ये दर्बुल अम्थाल जो है वो मुहावरों की तरह ही होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये मुहावरे हैं और दर्बुल अम्थाल हैं, मतलब एक ही चीज़ है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं होती है। मुहावरे थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं और दर्बुल अम्थाल थोड़ा सा और मुख्तलिफ होते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा जो है वो तजाद पाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमें समझना चाहिए। दर्बुल अम्थाल जो है वो अमूमन हमारी हमारी ऐसी बात के तौर पर किए जाते हैं कि ऐसी बात होती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मानी या असरो सोख होता है, ठीक है। अगर हमने कोई अपनी बात जो है पहुँचानी होती है, मतलब जिसमें हमें बहुत ठोस असरो सोख हो और मतलब जिसमें बहुत गहरा वाज़े मानी हो, तो हम दर्बुल अम्थाल की सूरत में जो है वो बयान करते हैं। तो आइए जो पहले हमने दर्बुल अम्थाल की जो है वो तारीफ थोड़ी सी बयान की है, ताकि आपको दर्बुल अम्थाल क्या होते हैं उसके बारे में पता लग जाए, तो आप जो है दर्बुल अम्थाल बनाना भी जान जाएंगे और उसको अपनी जो है ज़िंदगी में किस तरह इस्तेमाल करना है, रोज़मर्रा की बोलचाल में किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके बारे में भी आप जो है उससे वाकफियत हासिल कर सकते, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला दर्बुल अम्थाल होगा, यहाँ पर हम दर्बुल अम्थाल लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे उसके मतलब। आप सबको पता होना चाहिए कि मतलब जो है वो मतलब से निकला है, मतलब की जमा होता है। हाँ, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, आज इतना हम अपने लेसन के लिए हम जो है वो कर सकते हैं, तो हमने एक से अगर दो करने हैं तो उस वो मतलब नहीं होगा, वो मतलब होंगे, मतलब यहाँ पर अगर मैंने एक दर्बुल अम्थाल लिखी है तो उसका यहाँ पर मैं मान लिखूँगी, अगर दूसरे भी लिखूँगी तो वो दो हो जाएंगी, तो दो जब होंगी तो यहाँ पर हम मतलब का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जिसका वाहिद जो है वो मतलब, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी दर्बुल मिथल है वो है उल्टा चोर, कोतवाल को डन। आप में से कईयों को जो है ये पता होगा कि हमने कई दफ़ा जो है ये दर्बुल मिथल जो है वो अपने जुमलों में इस्तेमाल की है, तो आप में से कईयों को पता होगा कि आपको ये बताना चाहेगा मुझे कि इसका क्या मानी होता है। जी हुज़ैफ़ा, शाबाश। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का मतलब होता है कि इंसान जो है वो खुद कसूरवार होता है, लेकिन क्या करता है अगर कोई और उसको कसूर बता रहा है, उसका मतलब कि गलती बता रहा है, तो वो कहता था कि नहीं, ये तो मेरी गलती नहीं थी, ये तुम्हारी ही गलती है, मतलब उसने कसूर बताने वाले को ही कसूरवार ठहरा दिया है, तो
इसलिए ये जर्बुल मिस जो है वो इस ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल की गई, ठीक है। मतलब जो कसूर बता रहा है उसको ही उसने कसूरवार ठहरा दो, मतलब भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ऐसे ही है ना, क्लास पंजम कसूरवार खुद कसूरवार खुद जी। तो
उम्मीद है आप सबको पता होगा कि काज का मैंने क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि काज काम काज जो है काम करना या काज जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं कि काम काज करना, मतलब ये उसी मानों में आ जाता है कि काम करना, ठीक है, काज काम करना। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं आप काज महाकाज। अब यहाँ पर आपको क्या समझ आ रही है इसमें कि आप काज महाकाज मतलब कि खुद काम करेंगे आप तो वो महाकाज होगा, यानी कि बहुत बड़ा काम होगा, बहुत आला काम होगा। तो इसमें इस जरूरत में जो है वो ये बयान किया जा रहा है कि जो शख्स खुद काम करता है वो बेहतरीन होता है, ठीक है। और अगर हम किसी को कह दें कि प्लीज़ मेहरबानी होगी ये मेरा काम आप कर दें, तो मुझे नहीं उम्मीद कि वो उतना जो है वो दिलचस्पी से या ध्यान से काम करेगा जो खुद आप दिलचस्पी से अपना काम या ध्यान से काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़र्बुल मिस्र जो है वो बनाई गई है कि जो इंसान खुद अपना काम करता है वो बेहतरीन होता है, ठीक है। तो आपका आज महाकाज की आपको समझ आ गई होगी कि जो इंसान खुद काम बेहतर कर सकता है वो कोई किसी का नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका जो है हम मतलब लिख देते हैं कि मैं पहले आपको लाइन लगा देती हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके कि कौन सी ज़र्बुल मिस्र का मतलब क्या है, ठीक है जी। तो इसका मतलब लिखते हैं हम अपने हाथ से किया गया काम ही बेहतर होता है। ध्यान से जो है जब आप जमात का काम करेंगे जो भी मैं आपको जो है वो दूंगी, तो अपने शोशे जो है लफ्ज़ों के वो ध्यान से डालेगा, अपनी इमला दुरुस्त रखिएगा बच्चों, ताकि आप जो है वो अच्छे से लिख सकें और समझ सकें, ठीक है। अपने हाथ से किया गया काम ही बेहतर होता है, तो यही मिसल मैं आपको भी जो है वो इस्तेमाल करूँगी कि आपस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि अपना होमवर्क किसी से करवा लेते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, आपने अपना काम खुद करना, ठीक है। चलिए जी आगे जानी पड़ते हैं। तो चौथी ज़र्बुल मिसल जो है वो हमारी होगी आसमान से गिरा, ये तो सबने ही सुनी होगी, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ठीक है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो इसका क्या मतलब होगा आप सबको आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि हमने बहुत दफा जो है ना ये वाली ज़र्बुल मिस्र जो है वो इस्तेमाल की होगी, आपने भी मोहन की होगी। तो हम क्या कर देंगे कि आसमान से गिरा खजूर में अटका का जो है मतलब आप में से कोई बताना चाहेगा तो मेहरबानी होगी आप में से कोई बताए जी। आसमान से गिरा खजूर में अटका जी, शाबाश, यही है कि ऐसा जो है वो शख्स बेचारा जो एक मुसीबत से निकला है और उसको दूसरी मुसीबत भी जो है वो आन पहुंची है, मतलब आसमान से वो गिर गया है और आगे क्या हुआ है खजूर का जो दरख्त होता है वो चौके लंबा होता है, तो वो क्या हुआ है कि आसमान से गिरा और आकर खजूर में अटक गया। तो एक शख्स के बारे में यह आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर किसी को एक मुसीबत जो है वो लाहक हुई है तो उसको फौरन से ही दूसरी मुसीबत आन पड़ी, ठीक है। एक मुसीबत से निकल कर एक मुसीबत से निकल कर दूसरी में हंसना, ठीक है जी। तो हमारी ये वाली ज़र्बुल मिस्र भी हो गई, इसको हम अमूमन अपने अल्फाज या जुमले में शामिल कर सकते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि एक मुसीबत से बेचारा निकला है और दूसरी मुसीबत उसको फिर से आ, ठीक है। अब हमारी चौथी जो है वो ज़र्बुल मिस्र भी हो गई है,
आइए बढ़ते हैं अपनी पांचवी जर्बल मिस की जाने। मैं जो है ये ऊपर वाली जर्बल मिस मिटा देती हूँ, उम्मीद था आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, पांचवी जो है आज की हमारी जर्बल मिस जो है वो हम कर लेते हैं, जो कि है आम के आम गुठलियों के दांत। आप इसे अगर मुझे कोई बताना चाहे कि आम के आम गुठलियों के दांत के इसलिए जो है वो जर्बल मिस जो है वो इस्तेमाल की। सही कहा आपने, बिल्कुल शाबाश। आम के आम गुठलियों के दाम से मुराद है कि आम तो एक आम है, यानी कि आम को जो है वो फलों का यानी कि बादशाह कहा जाता है। तो आम तो बहुत खास होता है ना, तो आम तो फायदा हमें दे रहा है, मतलब आम तो बहुत एक खास चीज है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आम की जो गुठलियाँ है ना, मतलब जो हम खाकर उसको उसकी जो गुठलियाँ निकलती हैं उसके भी दाम है, यानी कि उसके भी पैसे हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जो आम की गुठली हो उसके पैसे हों, लेकिन ये एक जर्बुल मिस्ट बनाई गई है कि आम बड़ा जो है वो ख़ास चीज़ है, यानी कि वो फलों का एक बादशाह है। तो उसको उन्होंने जो है वो जुमले के तौर पर दिया है और उसको मिस्ट बनाई है कि आम तो आम होता है लेकिन अगर उसकी गुठलियाँ भी देखो ना तो उसके भी दाम निकलते हैं, उसके भी पैसे जो है वो होते हैं। तो इसका मतलब है हर तरह से फायदा ही फायदा, हर तरह से फायदा। मैं जैसे आपको सही से जो है वो कर देती हूँ ताकि आप जो है वो सही से पढ़ सकें। ठीक है, हर तरह से फायदा ही फायदा। ठीक है, मतलब अगर कोई शख्स किसी जगह काम कर रहा है उसको उस चीज़ के पैसे भी मिल रहे हैं, सिर्फ उसको पैसे नहीं मिलते, मतलब अगर कोई टीचिंग कर रहा है या किसी को पढ़ा रहा है तो एक तो उसको उसकी चीज़ के जो है वो पैसे भी, साथ किसी अदारे में काम कर रहा है तो उसको उसकी उजरत भी मिल रही होती है, यानी उसको उसकी तनख्वाह भी मिल रही होती है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है तो कि उस उस्ताद को पढ़ाते पढ़ाते उसके इल्म में और इजाफा होता है, क्योंकि दुनिया जो हमारी तरक्की कर रही है तो इस तरक्की की वजह से जो है इल्म में भी जो है वो बहुत सी जो है वो तरक्की होती है और बहुत से नए जो है वो उन्वान भी शामिल किए जाते हैं इस्बाक में। तो उन इस्बाक अगर उसने अपनी जो है वो तालबे इल्मी के दौर में उसने वो इल्म हासिल नहीं किया होता तो वो तलबा और तलबा को पढ़ाते हुए उस इल्म का फ़ायदा जो है वो हासिल करता है उस तो, और वो उस चीज़ से भी मायूर होता है और जो है उसको जो तनख्वाह मिलती होती है वो लगा सकती है। ठीक है, तो आम के आम गुठलियों के दाम, हर तरह से फ़ायदा ही फायदा। तो ये रहा था आज का हमारा सबक ज़र्बुल इम्साल। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह जान चुके होंगे, आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो ठीक है, तो जमात पंजम आज का जो सबक था हमारा वो ग्रामर पर जो है वो मुश्तमिल था, जिसका उनवान था ज़र्बुल इम्थाल। ज़र्बुल इम्थाल जो कि मैंने आपको बताया है कि वो मुहावरात की सूरत के होते हैं, लेकिन इनका मानी मतलूब थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है मुहावरों की तरफ से, और ये अमूमन जो है हर एक ज़ुबान में जो है वो ज़र्बुल इम्थाल पाई जाती है। ठीक है, ख़वा हो अंग्रेज़ी हो या कोई भी ज़ुबान हो, तो उर्दू में भी जो है ज़र्बुल इम्थाल का इस्तेमाल होता है जो हमने आगे पढ़ा। और हमने अब कुछ ज़र्बुल इम्थाल देखी, सबसे पहले हमने देखी और आपके आम गुठलियों के दाम, यानी कि हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा, उसका मतलब जाना हमने। फिर हमने देखा तो हमें गाना राजा, यानी बहुत सारे बेवकूफ़ों में थोड़ी सी समझ बूझ वाला आदमी। फिर हमने देखा आप काज महाकाज, यानी कि अपने हाथ से किया गया जो काम है वही बेहतर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत पर आन पड़ना।
ठीक है। तो ये थी आज की हमारी गुलबुल इम्थाल, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी में मुश्किल पेश आए तो आप मैसेज बतौर मैसेज जो है वो व्हाट्सएप के तौर पर लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये जो है होमवर्क जो है अपना बहुत ही निफासत से जो अपना सफ़ा तैयार करें, अपनी हाशिया लाइन के साथ जो है अपना होमवर्क करें और अपना जो है इसको जहन नशीन करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।